अगर आप बाइबल में देखें तो बहुत से लोग उन्होंने अपने विश्वास के कारण ही आशीष पाई थी। सब लोग कहिए विश्वास से। उदाहरण के लिए जो अंधा भिखारी था बर्तिमाई, वो जोर से चिल्लाने लगा जब उसने ये सुना कि यीशु वहां से जा रहे हैं, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर कि मैं देखने लगूं। और उसने ये पाया क्यों? उसके विश्वास के कारण। सब लोग कहिए विश्वास। वो लहू बहने वाली जो स्त्री थी उसे भी यीशु ने ठीक किया उसी के विश्वास के कारण, बस विश्वास के कारण। उसकी मदद के लिए कोई भी नहीं था। इन दोनों केस में बहुत से लोग थे कि रुकावट डाल दें, कि उस स्त्री या बर्तिमाई को रोक दें। लेकिन अंधे बर्तिमाई ने, देखिए जब यीशु के चेलों ने उसे डांटा था तो वो और भी ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा और उसने अपनी आशीष पाई क्योंकि वो अपने विश्वास में बिल्कुल डटा हुआ था। और ये लहू बहने वाली स्त्री, उसके लिए भी बहुत सी रुकावटें थी क्योंकि ऐसी स्त्री सामान्य लोगों के बीच में नहीं जा सकती थी। उस समय में उसे दूरी बनाए रखनी थी। ये प्राचीन समय था, लेकिन वो तो बड़े साहस के साथ बाहर निकली। उसने विश्वास किया कि आज मैं पूरी तरह से आशीष पाकर ही लौटूंगी, मैं पूरी तरह से अच्छी हो जाऊंगी। और बिल्कुल वैसे ही तो हुआ था। उसके विश्वास के कारण यीशु ने उसे आशीष दी। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी आशीष पाई क्योंकि दूसरों ने उनके लिए विश्वास किया था। क्या यह अद्भुत नहीं है? उन्होंने विश्वास नहीं किया पर दूसरों ने विश्वास किया था। उदाहरण है जैसे कि वो चार मित्र आए थे, वो लकवे का मारा जिसे उन्होंने उतारा, देखिए उसके दोस्तों ने वहां जो ऊपर की छत थी उसे हटा दिया, उस घर की छत जहां यीशु सेवा कर रहे थे। देखिए वो लकवे का मारा, उसने अपनी आशीष अपने विश्वास से नहीं पाई थी, वो तो बस ऐसे ही पड़ा हुआ था। लेकिन बस केवल ऐसे चार मित्रों के कारण, चार लोगों के कारण जो उसे उठाकर उस सभा में लेकर गए थे। मैंने ये देखा है, पति विश्वास नहीं करते लेकिन पत्नी उन्हें ऐसे ही खींच कर लाती है, प्रभु का वचन सुनने के लिए लेकर आती है। पत्नी के विश्वास के कारण परमेश्वर पति को आशीष देते हैं, यह बच्चे आशीष पाते हैं। दोस्त के विश्वास के कारण आपको आशीष मिलेगी, आप आगे बढ़ेंगे। आपके विश्वास के कारण लोग आशीर्वाद पाते चले जाएंगे। आपका परिवार, आपके मित्र, आपके सहकर्मी और आपके आसपास के लोग, उनके लिए विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए। आपका विश्वास दूसरों के जीवन में आशीर्वाद लेकर आ सकता है। हालेलुया।